दांतों का दर्द, दांतों के दर्द की सबसे अच्छी दवा है लौंग। लौंग इस्तेमाल करिए, लौंग का तेल इस्तेमाल करिए। दातुन से, दातुन है ना पिपरिया में तो बहुत है, मैं अभी रास्ते में आया इतने नीम के पेड़ हैं कि दातुन ही दातुन है यहां, तो आपको तो कोई कमी नहीं, तो दातुन करो। दातुन ना मिले तो दंत मंजन करो, दंत मंजन भी फोकट वाला करो, खर्चा नहीं करना, फोकट वाला दंत मंजन। घर में रसोई है, वहां पे हल्दी है, ले लो थोड़ी सी हल्दी, और सरसों का तेल है वो भी डाल दो उसमें, और थोड़ा सा नमक, तीनों को मिलाओ, दांत पे घिसो, सबसे अच्छा दंत मंजन। और एक दूसरा बताता हूं, गाय है, गाय उसका गोबर है, गोबर को जला दो। कैसे जलेगा? पहले सुखाओ उसको, छोटे कंडे बनाओ, फिर जला दो, तो राख निकलेगी, उस राख में थोड़ा नमक मिलाओ, थोड़ी फिटकरी मिलाओ, और उसको दांत पर घिसो, उससे अच्छा दंत मंजन दुनिया में नहीं। और एक तरीका बताता हूं, नींबू है ना, नींबू हम सब्जी में निचोड़ते हैं, अब छिलका बच गया, इसको फेंकना नहीं, छिलके को उलट दो, अंदर का हिस्सा बाहर निकाल दो, उस पे नमक रगड़ के ऐसे ऐसे दांतों पे घिसो, दांत एकदम साफ। और एक दो बात बताता हूं, जिनके दांत पीले हो गए, आम का पेड़ देखा, उसका पत्ता तोड़ लो, आम के पेड़ के पत्ते को चबाओ थोड़ी देर, चबाने के बाद वो चटनी जैसा होगा, लुगदी बनेगी, उसको दांतों पे रगड़ दो, दांत एकदम किटकिट करने लगते हैं, एकदम साफ। ये सब फोकट का इलाज है कि नहीं? बंद। अब एक जानकारी और देता हूं आपको, ये जो टूथपेस्ट होते हैं ना, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिवाकाफ, ये ज्यादातर टूथपेस्ट बनते हैं मरे हुए जानवरों की हड्डियों से। हमारे देश में हजारों कत्ल खाने चलते हैं, वहां गाय बैल भैंस को काटते हैं, उनका मांस बाजार में बिकता है, उन जानवरों की हड्डियों को टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां खरीदती हैं, हड्डियों को धूप में सुखाते हैं, बोन क्रशर में डालकर पाउडर बनाते हैं, फिर उसी से पेस्ट बनता है, फिर उसी को हम मुंह में लगाते हैं रोज सवेरे ही सवेरे। और जिस दिन उपवास होता है तो जरूर भगवान की पूजा करते हैं, सवेरे सवेरे हड्डियों का चूरा मुंह में लगाते हैं, अभी कैसे प्रसन्न होंगे भगवान बताओ। बंद कर दो ये सब, अच्छा नहीं, ठीक है, तो बहुत पैसा देश का बचेगा। मैंने एक दिन हिसाब निकाला कि पेस्ट बंद कर दें, ब्रश बंद कर दें, जो पैसे बचेंगे अगर उतने से ही दातुन खरीदने लगे, 50 पैसे की एक दातुन, तो 30 लाख लोगों को दातुन बेचने का रोजगार मिल जाएगा इस देश में। आप कभी बंबई जाना, बंबई, बंबई के सब रेलवे स्टेशन में दातुन बिकता है, 1 रुपए का 2, 2 रुपए का 3, ये बंबई में हो सकता है तो पिपरिया में भी हो सकता है। अब बस करना ये पड़ेगा कि दातुन करनी है तो नीम का पेड़ लगाओ, बबूल का पेड़ लगाओ, दातुन तभी मिलेगी ना, तो पेड़ भी लगाओ हर साल कम से कम एक।